नमस्कार बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिय साथियों आज हम इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ अनुसूचियों के साथ में ही हम उन दस्तावेजों की भी बात करेंगे जो हमारे संविधान निर्माण में के दौरान सम्मिलित किए गए हैं चाहे वो अमेरिका के दस्तावेज हो या मतलब किन देशों से हमने कौन कौन से दस्तावेज को अधिग्रहित किए हैं इन विषयों पर चर्चा करेंगे प्रिय साथियों हमारे काफ़ी कुछ लेक्चर इंडियन पॉलिटी पे हो चुके हैं ये कंटिन्यू आगे चल रहे हैं अगर आपको जो है इन इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अपने साथियों को शेयर भी कीजिए क्यों साथियों क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था जो है ना केवल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपितु देश के प्रत्येक नागरिकों को इनको पढ़ने की जरूरत है समझने की जरूरत है क्यों क्योंकि यही हमारे राष्ट्र के विकास की आधारशिला है कि हमारी शासन प्रणाली किस तरीके से संचालित हो रही है ठीक है और हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी है कौन कौन से हमको राइट्स दिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जहाँ हमको पावरफुल बनाते हैं आम नागरिकों की सुरक्षा करते हैं अधिकार देते हैं वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो राज्य को इस बात के लिए अवगत कराते हैं कि आखिर राज्य की जिम्मेदारी क्या है कि आप किस तरीके से लोगों का हित संवर्धन करें लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा को साकार करें जहां वहीं पे मूल कर्तव्य इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये अवगत कराते हैं कि आपकी इस राष्ट्र के प्रति इस संविधान के प्रति इस देश के प्रति इस देश की सामाजिक व्यवस्था के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है किस तरीके से हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे समाज व राष्ट्र के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हम आप लोग जो है प्रीवियस जो है बिगनिंग कैरियर क्लासेस पे आप देख सकते हो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा आज हम देख रहे हैं अनुसूचियां ठीक है अनुसूचियां क्या होती है साथियों आप देखोगे कि अनुसूचिया में वो चीजों को शामिल किया जाता है एक सेकंड अनुसूचिया में उन चीजों को शामिल किया जाता है जो हमारे आर्टिकल में कुछ चीजें समाहित नहीं हो पाई थी तो उनके लिए हमने एक अलग खंड बना दिए हैं आप देखोगे अनुसूचिया मूल संविधान में हमारी जो अनुसूची थी वो केवल आठ अनुसूचियां थी चार अनुसूची मूल संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं तो प्रिय साथियों इसी पर हम चर्चा करते हैं जब आप देखोगे कि हमारी जो प्रथम अनुसूची है आप जब देखोगे कि हमारी जो प्रथम अनुसूची है इस प्रथम अनुसूची में हमारे जो केंद्र है हमारे जो राज्य है इनके बीच जो है आप देखोगे कि काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि राज्यों के नाम राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे तो मैं यहां पर राज्यों के नाम एवं सीमा क्षेत्र ये चीजों को क्या किया गया है शामिल किया गया है साथ ही में ही इसमें जो है हमारे जो संघ राज्य क्षेत्र हैं जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी सीमा का निर्धारण किस तरीके से किया जाए उन चीजों का जो है इसमें स्पष्ट इस रूप से प्रावधान किया गया मैं इसी में संघ क्षेत्र भी लिख देता हूं ध्यान रखिएगा हमारी जो सेकंड अनुसूची साथियो, है साथियों जो द्वितीय अनुसूची है मैं यहाँ पर सेकंड ठीक है तो आप देखोगे कि जो द्वितीय अनुसूची है इस अनुसूची में हमारे जितने संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं और इन पदाधिकारी जो है इनके वेतन एवं भत्ते का प्रावधान होता है आपको पता होगा जैसे अभी सेवंथ पे कमीशन चल रहा है हमारे संवैधानिक पदाधिकारी चाहे हम किसकी बात करें हम हमारे राष्ट्रपति की बात करें के हम हमारे राज्यपाल की बात करें हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें या हमारे सांसद विधायकों की बात करें इन लोगों के वेतन भत्ते का स्पष्ट रूप से कहाँ प्रावधान किया गया है इसमें तो आप ध्यान रखिएगा जो हमारे कौन हैं जितने हमारे संवैधानिक पदाधिकारी है। हैं संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनके जो वेतन होते हैं वेतन एवं भत्ते का कहाँ पे प्रावधान किया गया है हमारी अनुसूची दो में प्रावधान किया गया है प्रिय साथियों जब हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं ठीक है जब हम थर्ड अनुसूची की बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी है इन संवैधानिक पदाधिकारी क्या काम करते हैं पदाधिकारी अपने पद व गोपनीयता की क्या लिखते हैं शपथ ग्रह आज देखिए आज उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश में फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्हें जो है बहुमत दल के नेता चुन लिए गए हैं और आज जो है वहाँ पे शपथ लेंगे दूसरी बार उत्तर प्रदेश में प्राय ये रहा है कि कोई भी सरकार पाँच साल के बाद अगली बार चेंज हो जाती है लेकिन इस बार पुनः जो है उन्होंने बहुमत हासिल किया है तो आज देखिए आज वो क्या करेंगे अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है इस देश के प्रति समाज के प्रति और मैं जो भी काम करूंगा अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करूंगा इसलिए हमारा संविधान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय साथियों तो ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति अब कई बार यह प्रश्न उड़ता है जब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई शपथ ग्रहण तो ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए जैसे हमारे जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तो इनको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये इसको शपथ दिलवाते हैं देखिए ये इनको शपथ दिलवाते हैं ये इनको शपथ दिलवाते हैं इसी तरीके से हमारे जो सीएम हैं ठीक है जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री को अपने पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं उस क्षेत्र का राज्यपाल अब यहां पर प्रश्न उठता है कि भाई राज्यपाल शपथ दिलवाता है तो फिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो आप देखोगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है ठीक है कौन करता है राष्ट्रपति करता है लेकिन इनको जब शपथ की बात आती है तो इनको जो शपथ दिलवाता है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ठीक है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो इनको शपथ दिलवाते हैं तो इस तरीके से आप देखिए हमारे यहाँ दो ऐसे पद हैं लोकसभा स्पीकर की बात करें या डेप्टी स्पीकर की बात करें तो ये कभी भी अपने पद व गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं साथियों क्योंकि ये ऑलरेडी जब ये लोकसभा सदस्य चुने गए थे तभी इनको जो हमारे प्रो टाइम स्पीकर होते हैं वो इनको शपथ दिलवा चुके होते हैं इसलिए जो है पुनः शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि लो, मतलब इनको शपथ कौन दिलवाता है तो इनमें से कोई नहीं ठीक है आगे हम बात करते हैं साथियों फोर्थ अनुसूची की जब हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो राज्य ज्यो में ठीक है राज्यों में राज्यसभा राज्यसभा सीटों का आवंटन आप देखिए जरा हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से ये प्रावधान किया गया है मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था तो हमारे यहाँ जनसंख्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था कि भाई कितनी जनसंख्या पर जैसे उस समय प्रावधान था कि दस लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए प्रतिनिधि को रखा जाएगा इस तरीके से सीटों का आवंटन किया गया था तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ जैसे आज हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी में आप देखोगे कि हमारे यहां कितनी लोकसभा सीट है जैसे लोकसभा सीट हमारे यहाँ 29 है बट बत... राज्यसभा सीटों की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ राज्यसभा सीटों की कितनी है ग्यारह सीट है आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान में आप देखोगे कि हमारे यहाँ कुल सीटों की संख्या कितनी है दो सौ पचास ठीक है दो सौ पचास में दो सौ अड़तीस प्लस बारह लिखता हूं बराबर दो सौ पचास ऐसा क्यों साथियों क्योंकि 238 वो है जो निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से चुनी जाएगी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से लेकिन 12 सीटें ऐसी है जो राष्ट्रपति जो है क्या काम करेगा कला साहित्य विज्ञान एवं अन्य उपलब्धियों से इनको मनोनीत करेगा आज आप देखिए चाहे हम एम सी मेरी काम की बात करें या फिर हम सचिन तेंदुलकर जी की बात करें इन लोगों को जो है क्या किया गया है मनोनीत किया गया ये कला साहित्य विज्ञान खेल गतिविधियों से संबंधित तो इस तरीके से आप देखिएगा हमारे यहाँ ये इन्हीं सीटों का जो है प्रावधान किया गया आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में आप देखोगे सर्वाधिक जनसंख्या है इसलिए वहाँ लोकसभा सीट की संख्या भी जाता है और वहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या भी जाता है क्यों क्योंकि इसका निर्धारण जो है ये जनसंख्या के आधार पर होता है ठीक है तो आप ध्यान रखिएगा लेकिन जब ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इनका बराबर का प्रतिनिधित्व होता है वो हम आगे निर्वाचन प्रक्रिया में देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे लोकसभा सदस्य राज्य सभा सदस्यों के राज्यों के विधानसभा सदस्यों की वोटिंग की वैल्यू होती है ठीक है चलिए प्रिय साथियों जब हम अगली बात करते हैं पांचवी अनुसूची की तो हमारे यहाँ पांचवी अनुसूची में कुछ मूलभूत प्रावधान किए गए हैं अर्थात आप देखोगे कि जो हमारे यहाँ एस और एस वर्ग है अनुसूचित तो जाति और जनजाति वर्ग है उसके संदर्भ में क्या किया गया है विशेष प्रशासनिक उपबंध किए गए हैं ठीक है विशेष प्रशासनिक उपबंध किए गए हैं आप देखोगे जब अंडवान या कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे मैं अभी आप आपको आगे बताता हूं कुछ राज्यों में ये प्रावधान किए गए आज जैसे मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश में आप देखिए आदिवासियों के लिए कुछ स्पष्ट प्रावधान किए गए लेकिन आप देखिए जरा जो सिक्स अनुसूची है ये जो है इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक उपबंध किए गए हैं लेकिन ध्यान रखिएगा ये अगला प्रश्न आता है कि छठवी अनुसूची में क्या है या फिर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में छठवी अनुसूची लागू नहीं होती है तो साथियों आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो असम है ठीक है असम है मैत्री मेघालय है ठीक है मेघालय है त्रिपुरा है और हमारा जो मिजोरम है ध्यान रखिएगा प्रश्न ये पूछा जाता है कि छठवी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होती है या नहीं होती है ये सिविल सर्विसेज में कई बार पूछा गया प्रश्न है एसएससी में पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा कि छठवीं अनुसूची में भी स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि एस के लिए विशेष प्रशासनिक उपबंध होंगे परंतु ये इन चार राज्यों में प्रभावी होंगे असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में ठीक है साथियों हम सेवंत शेड्यूल की बात कर रहे हैं सेवंत अनुसूची की बात कर रहे हैं इसमें इस स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया है शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है आप देखिए नहीं तो क्या होता इसी को हम सशक्त संघी शासन प्रणाली कह सकते हैं आप देखिए जरा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच इसमें संघ सूची है इसमें राज्य सूची है और इसमें कौन सी सूची है संवर्ती सूची है जब हम बात करते हैं संघ सूची की तो आप देखिए जरा इसमें आज हंड्रेड सब्जेक्ट है के पहले 97 थे इसमें कितने सब्जेक्ट है इसमें 61 सब्जेक्ट है और इसमें आप देखोगे कि 52 सब्जेक्ट है आप देखिए अर्थात संघ सूची से आशा है उन विषयों से है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है राज्य सूची से आशय है साथियों जिस पर कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य सरकार को है आप देखिए ज़रा जब हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं हमारी नौसेना की ठीक है जब हम बात करते हैं सेंट्रल में कुछ ऐसे बीमा सेक्टर की बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो आप देखोगे ये केंद्र द्वारा संचालित होते हैं इन विषयों पर कानून कौन बनाता है केंद्र बनाता है लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे पुलिस व्यवस्था की आज देखिए हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था है ठीक है आप देखिए जरा पुलिस व्यवस्था है तो ये पुलिस व्यवस्था पर कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्य सरकार का आप देखिए हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है अभी जैसे एमपी पुलिस की भर्ती होना है कितने पद रिक्त है कौन कौन सी जो है परीक्षा प्रणाली में चेंजेस किया जाए ये सारी चीजें जो है कौन बनाती हमारी राज्य सरकार महिलाओं को किस तरीके से शिक्षित किया जाए उनको आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजनाएं संचालित की जाए हमारी लाडली लक्ष्मी योजना ये जो विषय है इन विषयों पर हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है जब हम बात करते हैं संवर्ती सूची की तो साथियों यहाँ पर बात आती है केंद्र और राज्यों की मतलब ये है कि हमारा जो केंद्र है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसको आपसी सहमति के माध्यम से कानून बनाते हैं जैसे साथियों जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये केंद्र की भी और राज्य की भी तो दोनों की ही जिम्मेदारी है और ना केवल केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी बल्कि हम जैसे देश के आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को हमारी भविष्य उन्मुखी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए सुरक्षित रखें Okay. तो यही चीजें जो है जैसे हमारे बंद पर्यावरण जैसे जो मुद्दे हैं वो समृद्धि सूची के अंतर्गत आते हैं जिस पर दोनों कानून बनाते हैं लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ पर केंद्र को ज्यादा भूमिका दी गई है किस पे हमारी जो समृद्धि सूची है आपको और चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ अवशिष्ट विषय होते हैं अर्थात जो इन विषयों पर शामिल नहीं किए गए हैं इन सूचियों पर शामिल नहीं किए गए हैं ऐसे कुछ अवशिष्ट विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को दिया गया है तो प्रिय साथियों यहीं पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है केंद्र के क्या दायित्व तो होंगे और राज्य के क्या दायित्व तो होंगे आप देखिए आज कई बार हम लोग जो है जैसे अभी दिल्ली सरकार है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि भाई हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि हम गैर बीजेपी शासित जो है सरकार है लेकिन ऐसा नहीं है आपको अथॉरिटी दी गई है आपको अधिकार दिए गए हैं विशेष परिस्थितियों में केंद्र की भूमिका होती है और फिर हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है जो इस चीज़ की जांच करता है समीक्षा करता है कि भाई संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था संचालित है या नहीं ठीक है तो ये चीज देखिए हमारी जो एथ अनुसूची है आठवीं अनुसूची है इस आठवीं अनुसूची में जब हम बात करते हैं तो इसमें किस चीज का जो हमारी मान्यता प्राप्त कितनी बाईस भाषाओं का ठीक है भाषाओं का उल्लेख या का प्रावधान साथियों आप देखिए पहले मूल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल चौदह भाषाएं थी लेकिन धीरे धीरे और भी भाषाएं को शामिल किया गया आज जब आप यूपीएससी के एग्जाम देते हो एम पी के एग्जाम देते हो तो स्पष्ट लिखा रहता है मान्यता प्राप्त कोई भी भाषा है ना अर्थात इन बाईस भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया आप कहोगे क्या अंग्रेजी को शामिल किया गया है तो बिल्कुल नहीं बाईस मान्यता प्राप्त भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है ठीक है हमारी जो राज्य की भाषा है चाहे हिंदी की बात करें डोगरी की बात करें बोडो मैथिली संताली इनकी बात करें सिंधी भाषा की बात करें ये लेकिन यहां पर देखिए 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है और साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि लास्ट में जो भाषा जोड़ी गई थी तो देखिए बानवे संविधान संशोधन हुआ था कब 2000? तीन में। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया प्रश्न है और इसके तहत जो है आप देखोगे बोडो ठीक है कौन सी बोडो डोंगरी मैथिली सी मैथिली और संथाली ये चार भाषाओं को जो है जोड़ा गया था तो आप देखोगे बोडो असम की भाषा है डोंगरी जो है जम्मू कश्मीर की भाषा है ठीक है मैथिली संथाली आप देखोगे बिहार झारखंड में जो है बोली जाती है तो इस तरीके से आप देखिए जरा कि हमारे यहाँ बोडो डोंगरी मैथिली संथाली ये कब बांध संविधान संशोधन 2003 को प्रश्न ये पूछा जाता है कि आगामी अब भाषाओं को 24 मान्यता प्राप्त भाषा होने वाली है तो हम कौन सी दो नई भाषाओं का प्रस्ताव जो है लेकर आने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा भोजपुरी और राजस्थानी ये दो भाषाओं को भी हम मान्यता दे सकते हैं इस तरीके से मान्यता प्राप्त भाषाएं हमारी चौबीस हो जाएंगे लेकिन फिलहाल अभी कितनी है बाईस और लास्ट में ये जोड़ी गई हैं ठीक है साथियों आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो नहीं तो आगे बढ़ते हैं ठीक है नाइन्थ शेड्यूल देखिए जो है ये कुल हमारी जो है आठ मूल संविधान में थी और चार बाद में जोड़ी गई हैं कितनी चार बाद में जोड़ी गई हैं तो आप देखोगे कि जब हम इनकी बात करते हैं तो हमारे यहां जो है इसमें पहला ही संविधान संशोधन हुआ था देखिए ये कब जोड़ी गई है साथियों और इसमें क्या है भू सुधार क्या भू सुधार संबंधी प्रावधान ठीक है तो आप देखिए भू सुधार संबंधी क्या है संबंधी कानूनी प्रावधान किए गए हैं और आप देखोगे इसमें दो जो है कानून बचे हुए हैं हमारे यहाँ क्या है जब देश आजाद हुआ हमने ये देखा था कि जो अंग्रेजों की भू राजस्व नीति थी उसके तहत जैसे स्थायी बंदोबस्त था हमारे किसान भाई जो है क्या करते थे न्यूनतम समय अवधि में जो निर्धारित समय अवधि होती थी उसमें लगान नहीं चुका पाते थे तो एक नियम था जिसका नाम था सूर्यास्त नियम प्रश्न पूछा जाता है क्या है सूर्यास्त नियम तो निश्चित समय अवधि में हम जो निर्धारित थी उस पर लगान नहीं चुका पाते थे तो हमारे जो जमीदार होते थे वो उनको अथॉरिटी थी कि वो क्या काम करें सूर्यास्त निर्धारित तिथि के दिन तक अगर वो लगान नहीं चुका पाएंगे तो उनकी जमीन को अधिग्रहित कर लिया जाए ठीक है उनको भूमि से बेदखल कर दिया जाए इस तरीके के प्रावधान थे रैयतवाड़ी महालवाड़ी स्थायी बंदोबस्त का नाम सुना होगा आपने ठीक है तो जमींदार तो और ज्यादा वो प्रभावी हो गए भाई ठीक है अकाल आया भूकंप आया कुछ ऐसी गतिविधियां निर्मित हुई उत्पादन नहीं हुआ फिर भी हमको लगान देना पड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन के लिए देखिए और यही स्थिति में हमको भूमि से भी दिखल कर दिया गया जब देश आज़ाद हुआ तो हमको लगा कि भाई अब भूमि व्यवस्था में सुधार करना चाहिए भूमि की न्यूनतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए अधिकतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए और इस तरीके से पहला ही संविधान संशोधन हुआ कब फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ फर्स्ट संविधान संशोधन इक्यानवे में कब सॉरी इक्यावन में उन्नीस में। और भू में संबंधी कानूनी प्रावधान लाए गए ठीक है इनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई इसको किस तरीके से न्यायिक न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती सारी चीजों पर पढ़ेंगे ठीक है जब हम संपत्ति के अधिकार अधिनियम की बात करेंगे अभी आपको ध्यान रखना है अब भाई आती है दसवीं अनुसूची आप देखिए जरा दसवीं अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं ठीक है क्या प्रावधान किए गए हैं जब हम दसवीं अनुसूची की बात करते हैं ठीक है दसवीं अनुसूची की बात करते हैं तो आप देखोगे साथियों कि यहां पर जो है क्या लेकर आया दल बदल कानूनी प्रावधान दल बदल कानून प्रावधान ठीक है यहां पर क्या हो ये कब आया तो आप देखोगे हमारे यहाँ एक बावनवा संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था उन्नीस तो अब आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कब की बात होगी राजीव गांधी जी के उस समय जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बताइए राजीव गांधी को भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे भारत में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के जनक माने जाते हैं कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं इन्हीं के समय आपको पता होगा जो हमारी मतदाता की आयु है 18-21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कौन से संविधान संशोधन जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे ठीक है तो आप देखोगे कि मतदाता की आयु इन्हीं के समय इकसठवा संविधान संशोधन हुआ अट्ठासी में और हमारी मतदाता की आयु जो है क्या कर दी गई इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह आज अठारह वर्ष का कोई भी जिसका मतदाता सूची में नाम है वयस्क है और वो हमारे देश की सरकार चुनने के लिए तैयार है ठीक है तो आप देखिए जरा तो ध्यान रखिएगा दल बदल कानून कब का आया उन्नीस जो है पचासी में आया क्यों आया साथियों क्योंकि यहां पर क्या था देखिए क्या करते थे कुछ राजनीतिक दल या कुछ ऐसे पार्टियाँ क्या करती थी मान चलिए मैंने क्या काम किया कांग्रेस ने मुझे अपने कांग्रेस पार्टी से सीट दिया अब मैंने क्या काम किया लोकसभा सीट या विधानसभा जो भी है मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूं अब लोगों ने मुझे देखकर और मेरे साथ साथ केंद्र में जो हमारी राजनीतिक पार्टी है अर्थात जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसको देखकर आम जनता ने वोट दिया मैं चुनाव जीता और मैं चुनाव जीता और सत्ता के लिए चूंकि अब पता चला कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी बहुमत में नहीं आई तो मैंने क्या काम किया कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया और मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो भाई मैंने चुनाव जो लोकसभा सीट है यह चुनाव किससे जीती थी मैंने कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट दी गई थी आम जनता का विश्वास कांग्रेस पे था और इस तरीके से मैंने यहाँ पे चुनाव जीता था लेकिन लोकसभा में मैं अपने लालच की वजह से क्योंकि ये सत्ता में नहीं आए बहुमत प्राप्त नहीं कर सके तो मैं दूसरी पार्टी में क्या कर दिया शामिल हो गया तो साथियों इनकी जो लोकसभा सीट है ये कांग्रेस पार्टी इनको निष्कासित कर देगी और जब निष्कासित कर देगी तो इनकी लोकसभा सीट चली जाएगी ठीक है लोकसभा सीट चली जाएगी और इस तरीके से वो सांसद प्रतिनिधि नहीं होंगे उनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से तब जाके आप मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो जब हमारे यहाँ कमलनाथ जी की सरकार थी और कुछ हमारे विधायक जो है सिंधिया पक्ष के जो है ये क्या हो गए बागी हो गए ठीक है सत्ता के लालच में ठीक है जब ये बागी हो गए सत्ता के लालच में तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस तरीके से इनका एमएलए पद चला गया और एमएलए पद चला गया तो इन्होंने फिर से उपचुनाव हुए उपचुनाव जीत कर आए और तब जाके ये बीजेपी वर्तमान सरकार संचालित है तो इस तरीके की हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है नहीं तो क्या होगा बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है इसका लेकिन प्रावधान ये किया गया है कि भाई अगर दो तिहाई सदस्य एग्जाम्पल के लिए देखिए जरा ये आम आदमी पार्टी है और ये आम आदमी पार्टी में मध्य प्रदेश में आप देखिए जरा इन्होंने दस लोकसभा सीट जीता है और ये दस लोकसभा सीट जीता है है ना पूरे भारत में या मध्य प्रदेश में जहां पर भी अगर ये क्या काम करते हैं इनमें से दो तिहाई सदस्य ठीक है कितने दो तिहाई सदस्य कहाँ जाते हैं बीजेपी में जाते हैं ठीक है बीजेपी में जाते हैं तो फिर इन सदस्यों ये जो आम आदमी के मेंबर हैं इनकी सदस्यता नहीं जाएगी क्यों क्योंकि ये माना जाएगा कि पूरी की पूरी पार्टी चुकी पार्टी में सबसे ज़्यादा दो तिहाई सदस्य हैं और वो खुद बीजेपी में जाना चाह रहे है इसका मतलब पार्टी ही जाना चाह रही है ठीक है इस तरीके से तो इसमें हम चर्चा करेंगे ठीक है तो ये जो प्रावधान आए हैं ये कब से आए हैं ये बावनवा संविधान संशोधन उन्नीस हमारी ग्यारहवीं अनुसूची है साथियों और ग्यारहवीं अनुसूची क्या कहती है इसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का तो आप देखोगे पंचायती राज इसमें ये कब आई हमारे यहाँ एक कमिटमेंट हुआ तरह संविधान संशोधन हुआ कब उन्नीस बानवे में और इस तरीके से जो है हमारी कौन सी पंचायती राज व्यवस्था आई और इसमें कुल विषय कितने हैं उनतीस विषय हैं ठीक है विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है हमारी ग्राम पंचायत को साथियों मैं दस ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची के बारे में आपको बता दूं कि सही अर्थों में विकेंद्रीकरण यही है आज हमारी जो ग्राम सभा है इसको जो है गांव की लघु संसद कहा जाता है विश्व की लघु संसद नहीं विश्व की लघु संसद तो हम जो हमारी महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ की उसको कहते हैं लेकिन जब हम गांव के पंचायत की बात करते हैं हम भारत की लघु संसद की बात करते हैं तो हमारी ग्राम पंचायत क्यों क्योंकि यहीं पे जनप्रतिनिधि होते हैं जनता द्वारा चुने और वो गाँव में बैठ हमारे लिए कानून बनाते हैं इन उनतीस विषयों पर सफाई से रिलेटेड सुरक्षा से रिलेटेड हमारे शिक्षा से रिलेटेड हमारे तालाब से रिलेटेड ये सारे कानून ये बनाते हैं देखिए सही अर्थों में विकेंद्रीकरण यही है इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ उन्नीस में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसकी समीक्षा की जांच के लिए आपको पता होगा राय मेहता समिति आई और बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि हम जो भी योजनाएं संचालित कर रहे हैं वो इसलिए प्रभावित नहीं हो पा रही है क्योंकि इन सभी का केंद्रीकरण कर दिया है क्यों क्योंकि हर छोटे काम के लिए हम केंद्र पर निर्भर है इसके लिए जरूरत है विकेंद्रीकरण की और इसी विकेंद्रीकरण के साथ उन्होंने सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की और आपको पता होगा साथियों 2 अक्टूबर उन्नीस को राजस्थान के नागौर में हमारे यहाँ पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आई पंडित जवाहरलाल